नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम राजस्थान की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी के पिछले गत वर्ष जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन पर डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां आसपास की उस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्विज वीडियो, ठीक है? तो सभी तैयार हो जाइए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है? तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। करौली है, भरतपुर है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन है थर्ड, यानी धौलपुर। धौलपुर की यूपी व मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा होती है, ठीक है? धौलपुर सबसे छोटा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन है बहावलपुर, खेरपर, मीरपुर, लायलपुर, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है लायलपुर, ठीक है? पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और एक प्रांत अन्य, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। हमारे पास इसके ऑप्शन है उत्तर, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, केवल दिशा बतानी है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा दक्षिण, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। बांसवाड़ा को दो भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी होता है किसी देश से सीमा लगे, और अंतर्राज्य का मतलब किसी राज्य से लगे, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसके ऑप्शन है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और सभी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सभी। सभी जिले पाकिस्तान को टच करते हैं, एक जिला इसमें और शामिल होगा बाड़मेर, जिसमें सबसे लंबी सीमा बनाता है जैसलमेर, ठीक है? उसके बाद में बीकानेर सबसे छोटी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? मतलब ऐसा राज्य जो कि किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, कौन सा जिला है राजस्थान का ऐसा, बताइए। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बूंदी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा फोर, यानी बूंदी। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश, झुंझुनू भी टच करता है इधर हरियाणा को, डूंगरपुर भी टच करता है इधर गुजरात को नहीं, एमपी को ही टच करता है ये भी, ठीक है? लेकिन बूंदी किसी को राज्य को टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है हमारे पास 1070 किलोमीटर, 1072, 1079, 1039, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है, जबकि केवल अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी देश के साथ लगती हो, तो राजस्थान केवल पाकिस्तान को टच करता है, ठीक है? जो कि 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, वह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा प्रतापगढ़ राज्य 33वां जिला है, सबसे नया जिला है, 2008 में बना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है 4, यानी 10.41%। राजस्थान में थार मरुस्थल की बात करें तो कितना परसेंट है बता सकता है कोई? वह है 61% लगभग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय, चतुर्भुज, विषमभुज, षटकोणीय, पंचकोणीय, ठीक है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पतंगाकार आकृति है, अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन सही होगा विषमकोणीय चतुर्भुज, ठीक है?
लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन तीन राज्यों की ओर हो रहा है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के आसपास जितने भी जो राज्य हैं स्थित उन सभी में हो रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा भारत की किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। मैंने बता दिया अंतर्राज्यीय का मतलब किसी राज्य को टच करती हो, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब किसी राष्ट्र को टच करती हो। इसके ऑप्शन हैं पाली, अजमेर, जोधपुर, सभी। बताओ जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा पाली। पाली किसी राज्य व अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा को टच नहीं करता है। पाली सबसे ज़्यादा जिलों को टच करने वाला जिला है, जो कि 8 जिलों को टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? कौन सा जिला है जो पाकिस्तान व गुजरात दोनों को टच करता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। बताइए इसका सही ऑप्शन। लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो। ये सारे क्वेश्चन है ना पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम, मतलब दक्षिण पूर्वी जो दिशा है उसमें कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, यूपी। इसका सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, जो कि 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिस पर कि 10 जिले स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है? ठीक है, बताइए इसका जल्दी से जवाब, कन्फ्यूजन भरा सवाल है ये। ठीक है, फिर भी बताइए। 42 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 41 किलोमीटर। बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। अपना आकलन खुद कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, 43 किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, 869 किलोमीटर, जबकि लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। जबकि भारत की स्थिति में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा है 3214, जबकि चौड़ाई है वह 2999 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, कोई नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉमन सेंस की ज़रूरत है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। केवल एक देश को टच करता है राजस्थान, वो कि पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर। ठीक है, भारत की यदि सीमा की बात करें तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र लगभग किस देश के बराबर है? ऑप्शन है हमारे पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा कमेंट करके जल्दी से। क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी करते चलो। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, यानी जर्मनी। जर्मनी यूरोप में स्थित है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमश कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जैसलमेर, धौलपुर, जैसलमेर, दौसा, बाड़मेर, दौसा, जोधपुर, बूंदी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा जैसलमेर व धौलपुर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। जैसलमेर सबसे पश्चिम में स्थित है और धौलपुर सबसे पूर्व में। ठीक है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? बताइए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें पाली, अजमेर, जालौर, भीलवाड़ा। इसका सही ऑप्शन होगा पाली। पाली 8 जिलों को टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सभी को पता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और किस दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है? बाजरा उत्पादन में भारत का
राजस्थान का प्रथम स्थान है, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है, और तटीय जो राज्य हैं उनके अलावा खनिज उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? बताइए, सबसे उत्तर में है उसी में सबसे तिरछापन ज़्यादा है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रीगंगानगर, जिसमें सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। यदि लंबोत की बात करें तो किस जिले में पड़ेगा, उसका ऑप्शन होगा बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से या किसी भी प्रकार से? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा जोधपुर। पहला यदि पूछा जाए तो जयपुर है, शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट स्थित है? जल्दी जल्दी इसके जवाब देते चलिए, क्योंकि हम इसी तरह राजस्थान की क्वेश्चन सीरीज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिछले गत वर्ष के आए हुए क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है? इसमें सर्वाधिक कन्फ्यूज होता है कि दो शहरों में सर्वाधिक कन्फ्यूज होता है, बीकानेर और श्रीगंगानगर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा श्रीगंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो कि पाकिस्तान से साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 342239 किलोमीटर है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी हमें याद रखना होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है, यानी कितने राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं? बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, 5, 3, 6, 4। बताइए जल्दी से, इसका सही ऑप्शन होगा 5। 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, जिसमें से सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, जबकि पंजाब 89 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? बताइए जल्दी से, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से पश्चिमतर बिंदु है कटरा गांव और जैसलमेर में, जबकि धौलपुर में है सिलवासा। सबसे पहले सूर्य उदय सिलवासा में होता है, ठीक है, और अस्त कटरा गांव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर, हमने पहले डिस्कस कर लिया। कौन सा गांव है? सिलवासा गांव बिंदु। उत्तर बिंदु की बात करें तो श्रीगंगानगर में है कटरा कोणा गांव, और जबकि बांसवाड़ा में है बोरकुंडा। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व बिंदु हैं। ठीक है, इनको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक ही यही आता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास 6, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 3rd, यानी 4 भागों में विभाजित किया गया है, मरुस्थलीय पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला, पठारी व मैदानी क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वह मरुस्थलीय क्षेत्र का है 61%। ठीक है, अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा, माही, अनाज, मोरेल, साबरमती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी हो जाएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व स्तर पर बात करें तो जो भूमध्य रेखा है उसको काटती है कांगो नदी 2 बार, जबकि जो मकर रेखा है उसको लिम्को को नदी 2 बार काटती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के गत वर्ष सभी एग्जामों में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सभी में शेयर कर दो, कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इसी प्रकार से जुड़े रहिए,
और क्वेश्चन सीरीज हम लाते जाएंगे। कमेंट करके बताओ कि आगे आपको किस चीज़ की क्वेश्चन सीरीज चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।